उज्जैन जिले के अंदर इस समय ऐसे कई परिवार हैं जहां पर विवाह होना है। इन परिवारों ने शादी की पूरी तैयारियां कर रखी है, पर इस समय ये परिवार बेहद परेशान और चिंतित है। इनकी परेशानी की वजह जिले में कोरोना वायरस का बढ़ता कहर और जिले में लगा कर्फ्यू है। गंभीर महामारी कोरोना वायरस के चलते शादी विवाह में यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना अति आवश्यक है और परमिशन लेना भी अति आवश्यक है। वहीं विवाह में ज्यादा भीड़, ज्यादा मेहमान एकत्रित भी नहीं कर सकते। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह सहित जनप्रतिनिधियों से लोग मांग कर रहे हैं कि हमें शादी विवाह करने के दौरान रियायत दी जाए ताकि हम अपने परिवार में शादियां करा सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वर्तमान समय में सैकड़ों की संख्या में थानों में और तहसील कार्यालय आवेदन पहुंच रहे हैं शादी की स्वीकृति के लिए। अब किस प्रकार शासन प्रशासन को थोड़ा फेरबदल करना चाहिए, किस प्रकार से परिवारों को रियायत देना चाहिए और क्या करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, ये लॉकडाउन तो वाकई में ये बहुत मारामारी है, मगर प्रशासन और ये डीजे वाले, बैंड वाले, घोड़े वाले दो दो साल से परेशान हो रहे हैं। ये लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए कर्जा लेके ये उनका काम चला रहते हैं। आज की कंडीशन ये है कि बता रहे कि भैया झेर खाएं, क्या मरे, क्या करें बताओ। अब हमारे ये अपना कैंटिंग वाले हैं, टेंट हाउस वाले हैं, सब परेशान हो रहे हैं ये लोग। शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए और बच्चे शादी विवाह हो सकें, साथ ही मांगलिक कार्य हो सके, उसको लेकर क्या योजना बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी को ये होना चाहिए कि 50 की जगह चलो ठीक है 100 जने की परमिशन दे दे और व्यवस्थित बैंड वाले का काम चल जाए, घोड़ी वाले का काम चल जाए, व्यवस्थित उनका काम चल जाए। समय पे पुलिस प्रशासन परेशान कर जबरदस्ती मारती है, डरते बेचारे लोग, बहुत परेशान है गाँव वाले। वो नए नए लोग तो ये है कि भैया 4 जने के 5, अगले साल भी यही काम कर रहा था कि 4-5 जनों, इस साल भी यही हो गया। और जिसने जो शादी करी थी और जब जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ बिल्कुल कोरोना नहीं है, वो भक्त आगे आगे सही। जो भी शादी ब्याह में जो लोगों को परेशानी है, किस प्रकार की परेशानी आ रही है? उज्जैन जिले की अगर बात करें, उज्जैन जिले की बात करें और तहसीलों की अगर बात करें तो इस कदर हालात बिगड़े हुए हैं कि कई जो घर हैं, कई जो परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ पर मांगलिक कार्य होना है, विवाह होना है, शादियाँ होना है, तैयारी हो चुकी हैं। कई लोगों ने अपने अपने स्तर से व्यवस्थाएं बना रखी हैं। अब वह जब थानों पर पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, तो हालात ये है कि सैकड़ों की संख्या में आवेदन उनकी टेबलों पर पहुँच रहे हैं और वहां पर जमे पड़े हुए हैं, पर उनको समय पर परमिशन नहीं मिल पा रही है, उनकी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये नहीं प्रशासन व्यवस्था कर रहा है कि समय शेड्यूल बढ़ाया जाए ताकि वह अपने मांगलिक कार्य कर सकें। उज्जैन जिलाधीश महोदय को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं मांगलिक कार्यों को लेकर, उसमें फेरबदल करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान लेकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और हल करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहिए। आपका नाम? वीरेंद्र शर्मा, उज्जैन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।